स्वेगा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। और भाई बहुत दिनों से ना एक स्कॉर्पियो की जो वेटिंग थी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई स्कॉर्पियो कब लॉन्च होगी, लेटेस्ट वाला जो स्कॉर्पियो का वेरिएंट है। तो अपने पास जो भी गाड़ी लगी है, देखो मैं आपको पता है बिहार में हूँ, तो ये जो गाड़ी है मेरे मामा की है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है दैट इज़ S5 वेरियंट, जो कि कहीं ना कहीं बेस मॉडल के नाम से जिसे आप जानते हो। तो ये गाड़ी जो बिहार में है इसका ट्रेंड ही अलग है, ठीक है। अभी जो एक महिंद्रा ने टीज़र लॉन्च किया था नई वाली स्कॉर्पियो का, आई होप आप लोगों ने जो है टीज़र देखा होगा, अलग लेवल से उसको लॉन्च किया हुआ है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट की है, जो चीज़ें रिप्रेजेंट की है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। और बिग डैडी ऑफ SUV कह रहे हैं ना उसको, तो पता नहीं क्या ही उसके अंदर दे रहे हैं इस बार। जो मेजर चेंजेस हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा कि लीक भी हो चुकी है कि प्रोफाइल ऐसी आने वाली है, कुछ में कुछ इमेजेस लीक हुए, कुछ में कुछ वीडियोज़ लीक हुए। बट जेनुअनली बताऊँ तो अभी तो कुछ भी एक ऐसा ऑफिशियली कोई चीज़ रिवील नहीं हुई, एक टीज़र ही रिवील हुआ है जिसपे ना धमाल मचा हुआ है। तो पहले होपफुली आपने जो है टीज़र देखा होगा, नहीं देखा तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप टीज़र देखिए, देन आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर ना, स्कॉर्पियो के पीछे मेरी पूरी जो सीरीज़ है वो आने वाली है कहीं ना कहीं, तो इसके पीछे मैं काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। और जो वीडियो ये पहली आती है मेरे चैनल पे, बट अभी क्या हुआ है थोड़ा सा लेट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बिहार में हूँ मुजफ्फरपुर में, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बट पर्टिकुलर जैसे मैं दिल्ली आ रहा हूँ कुछ एक दो दिन के अंदर दिल्ली में मैं पहुँच जाऊँगा, तो दिल्ली आने के बाद जो है आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे स्कॉर्पियो के जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। तो पहले आप टीज़र देखो, देन मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड। It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs because nothing else will do. Tell me about it. The only question was, how big is big enough? Daddy's so big, even the big will feel small. I hear he's from the future. That high tech. You know what they say about Daddy? What? Daddy is fast, even in slow motion. But wait, who is the big daddy of SUVs? You'll soon find out, and so will the D segment. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. आपने टीजर देखा, टीजर कमेंट सेशन में बताना कैसा लगा आप लोगों को टीजर। काफी सही तरीके से इन्होंने लॉन्च किया हुआ है द बिग डैडी ऑफ SUVs, और कुछ चीजें इसके अंदर निकाली हुई है जो कि आपने देखा होगा, जैसे DRL का शेप है, हेडलाइट में जैसा कि आपको पता है इसमें LED का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लग रही है। जो एक लुक है जो एक बेस पे बना हुआ है वो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है, जो बल्किनेस है स्कॉर्पियो की हमेशा से बरकरार है। बट ये ना हो कि भाई किसी अलग ही सेगमेंट में इसको लॉन्च कर दे, प्राइसिंग शायद ज़्यादा अगर आएगी तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन अगर इस प्राइसिंग सेगमेंट में निकालते हैं 16-17-18 लाख से अगर इसकी स्टार्टिंग होती है, तो होपफुली गाड़ी जो है तहलका मचा देगी मार्केट में दोबारा से। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, आज के लिए इतना ही था कि एक अपडेट आपको देना था कि भाई टीज़र जो लॉन्च हुआ है उसके पीछे कंपनी क्या चाह रही है और महिंद्रा का क्या एक मोटिव होना चाहिए जिस वजह से उसको लॉन्च कर दिया। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द स्कॉर्पियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिश्रा व्लॉग्स, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।